चलिए और अब अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा निरस्त हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा निरस्त हुआ है। दोनों एक साथ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा निरस्त हो गया है। अब नए सिरे से जारी होगा चुनाव प्रचार कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा निरस्त के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा निरस्त हुआ है। दोनों एक साथ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने वाले थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा निरस्त हो गया, आखिर क्या कारण रहा? वैभव जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों का दौरा निरस्त हुआ है। दोनों चुनाव प्रचार करने जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा निरस्त हुआ, आखिर क्या कारण रहा? बिल्कुल पूनम, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आगर मालवा के दौरे पर जाने वाले थे। उपचुनाव को लेकर चुनावी जो तैयारियां हैं उनको लेकर ये दौरा था। हजारों करोड़ रुपए की सौगात भी आगर मालवा की जनता को देने वाले थे। कई कार्यक्रमों का लोकार्पण भी होना था, लेकिन अभी तक कार्यक्रम जो स्पष्ट नहीं हो पाए कारण क्यों दौरा निरस्त किया गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा निरस्त हो गया। दोनों एक साथ ही आगर मालवा जाने वाले थे। सावेर जाने का भी उनका कार्यक्रम था, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित भी करते और कई कार्यक्रमों की सौगात भी वहां की जनता को देते। और अब जो जानकारी मिल रही है पूनम, उसके मुताबिक जल्द ही नए सिरे से दोनों नेताओं का दौरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। जी शुक्रिया जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही नेता जो हैं दौरे के लिए जाने वाले थे आगर मालवा, लेकिन उनका दौरा निरस्त हो गया है। अभी फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि अब नए सिरे से चुनाव प्रचार कार्यक्रम जारी होगा।